साधक ने तपस्वी सम्राट से अपने माथे पर चुल्लक दीक्षा के संस्कार कराए हो और मुनि दीक्षा के संस्कार वात्सल्य दिवाकर श्री विमल सागर गुरुदेव से करवाए हो, वो इस युग के महान जिन्होंने अधिक दीक्षाएं देकर के इस दिगंबर की श्रवण परंपरा को जीवंत किया। एक मिनट में उनकी सांस रुकी और शरीर वहीं का वहीं पड़ा रह गया। उन्होंने अपनी मन की बात कही ब्रह्मचारी से कि भाई एक काम करो, सुधा सागर जी को फोन लगवाओ। और मैं उनसे कुछ के, अपने शिष्य से उनने फोन नहीं लगवाया, अपने से लगवा दे मोह जाग सकता था, सिर्फ गुरु को नहीं शिष्य के मन में ममत्व बुद्धि मोह की बुद्धि जाग सकती थी, नहीं फोन लगवाया किसको, सुधा सागर, और वो भी मरासा बिहार कर रहे थे। ठीक है मैं पहुंच, दो बार तीन बार, जब तीसरी बार ब्रह्मचारी ने कहा महाराज वहां से फोन आ रहा है कुछ बात करना चाहे क्या चार महाराज, और कुछ ऐसा ऐसा स्वस्थ हो गया है। कमरे में पहुंचे, फोन लगवाया, स्पीकर ऑन था, वो सहज अपनी बात बोल रहे थे, विराम सागर भी अपनी बात बोल, दोनों की बातें हुई। महाराज साहब उन्होंने शांत, चिंता मत करो महाराज साहब, अब सुबह तक ठीक हो जाओगे। साधर्मी ही साधर्मी को संभाल सकता है, साधर्मी ही साधर्मी को संबल दे सकता है, और संजोग कहो सुबह ठीक हो गए, आहार भी अच्छा हो गया, आहार अच्छा हो गया। शाम को फिर कुछ डाउट हुआ, बस उसी समय रिकॉर्डिंग करवा दी कि मैं अस्वस्थ महसूस कर रहा हूं, और मैं इसलिए सारी बातें बोल रहा हूं क्योंकि अभी तक हमने जिन जिन को देखा जाते हुए देखा है उसके बाद वाद विवाद बड़े हैं, उलझने पैदा हुई हैं, और मैं कोई भी ऐसा कर करके नहीं जाना चाहता हूं जिससे मेरे संग में भी संवाद हो, और मैं अपने संग के योग से मेरे सारे से समर्पित हैं, सारे से समझदार हैं, सारे शिष्य मेरे आज्ञानुवर्ती हैं, एक भी शिष्य मेरी मर्यादा के बाहर नहीं है। उसके बाद भी दायित्व तो एक को ही सौंपना पड़ेगा, मैं नौ को दायित्व नहीं सौंप सकता हूं, इसलिए मैं अपने शिष्य विशुद्ध सागर को अपने संघ की व्यवस्थाओं का दायित्व भार सौंप रहा हूं। तो इस युग का सबसे बड़ा विवेक बुद्धि का काम किया तो आचार्य विराग सागर जी महाराज ने, कि संपूर्ण दायित्व पद दे करके, सोचो ना कितनी बड़ी बात है। जिस साधक को भीतर का बोध हो गया था, दिग्वंदना की, कायोत्सर्ग किया, सबसे और उस रिकॉर्डिंग में भी मैं सब शिष्यों से क्षमा मांगता हूं यदि मैंने किसी शिष्य को अपने आचार पद पर बैठने के बाद द्वेष से, क्लेश से, दबाव पद के अहंकार से किसी को डांटा हो, फटकारा हो, तो सब शिष्य मुझे माफ करना, मेरे शरीर का भक्त का भरोसा अन्यथा कौन मांगता है, कौन किसके हाथ जोड़ता है। जब भीतर का उद्धार का वक्त आता है तभी व्यक्ति हाथ जोड़ के क्षमा मांग करके अपने अनंत की यात्रा पर निकलता